प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कार्यक्रम में भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में युद्ध के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं और अब समय आ गया है कि हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा की बात करते हुए अचानक ये बोल दिया कि मैं और रिस्क नहीं ले सकता। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हम पर खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी की ये बड़ी बातें आज पूरे देश को ध्यान से सुननी चाहिए। हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है जी, और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा, लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार जो हथियार उसके हाथ में है वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। आप भी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे, अब यह दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी उसको वेपन में कन्वर्ट करो, क्रूड ऑयल है वेपन में कन्वर्ट करो, यानी पूरा विश्व का नजरिया तौर तरीके बदल रहे हैं।